देखो ग्राउंड वेव्स क्या होती है, फॉर लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लार्ज एंटीना इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए बड़े बड़े एंटीना चाहिए। ठीक है, दीज एंटीनाज आर लोकेटेड ऑन और वेरी नियर टू द ग्राउंड। वेव्स एमिटेड फ्रॉम सच एंटीना ग्लाइड ओवर द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जस्ट ट्रांसमीटर है ये एंटीना, एक तरह से ट्रांसमीटर है। ठीक है, और इसके थ्रू जो वेव चल रही है वो ग्राउंड के थ्रू ही पास हो रही है बेटा। ठीक है ना, कैसे? ए वेव इंड्यूसेस करंट इन द ग्राउंड ओवर विच इट पासेस एंड इट इज एट। अभी ऐसा नहीं है कि ग्राउंड से चलती गई तो बिल्कुल बहुत दूर तक पहुंच जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, इट पासेस एंड इट इज एटेन्यूएटेड, मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम होती है एज ए रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाई द अर्थ। सो दीज हैव लो एनर्जी, तो उनकी एनर्जी भी कम है क्योंकि एब्जॉर्प्शन कर लेती है ग्राउंड। The attenuation of surface wave increases very rapidly with increase in frequency. तो ये दिक्कत है। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी की वेव्स ग्राउंड में भेजोगे तो ये देखा गया है कि जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी की वेव होगी ग्राउंड से एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स आप भेजोगे ग्राउंड से तो पहुंचेंगे। ठीक है, तो जो इसकी रेंज थी कहाँ तक थी, फ्यू मेगा हर्ट्स की, वो भेजो आप तो फिर वो ग्राउंड के थ्रू आगे तक ट्रेवल कर सकती हूँ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, आपकी पहली का ग्राउंड वेव्स का, जिसमें ग्राउंड्स के थ्रू ही सिग्नल चला जा रहा है। ठीक है, सैटेलाइट की या कुछ रिफ्लेक्शन की एटमॉस्फेयर से, मतलब आयनोस्फीयर की जरूरत नहीं है, बट दिक्कत है बहुत कम फ्रिक्वेंसी के सिग्नल ही भेजे जा सकते हैं। जितना ज्यादा फ्रिक्वेंसी कर लोगे एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ग्राउंड उतना बढ़ जाएगा, सिग्नल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, स्काई वेव में क्या होता है,